सोलोमन जो राजा डेविड का सुपुत्र था वो शाही और ईमानदार इंसान था। एक दिन सोलोमन को सपना आया। सोलोमन, अपनी एक ख्वाहिश बताओ, कुछ भी, और मैं उसे पूरा करूंगा। सोलोमन ने बड़े प्यार से ईश्वर से कहा, मुझे पता है कि ईश्वर के लोगों को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, इसलिए मैं आपसे इस काम को सही ढंग से कर सकूं, उतनी समझदारी मांगता हूं। मैं तुम्हारी ख्वाहिश से खुश हूं। शुक्रिया ए ईश्वर। तुम चाहते तो सेहत, राजपाट, सैनिक, लंबी आयु या शोहरत मांग सकते थे, पर तुमने समझदारी मांगी ताकि तुम्हें जो काम सौंपा है उसे पूरा कर सको। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी समझदारी दूंगा जो किसी ने ना पहले देखी होगी और ना कभी देख पाएगा। उसी के साथ सेहत, इज्जत और सुरक्षा भी देता हूँ जो तुमने मांगी नहीं है। वादे के अनुसार ईश्वर ने सोलोमन को अनदेखी समझदारी तोहफे में दी। एक दिन सोलोमन को एक ऐसे केस का निर्णय लेना था जो बहुत ही अजीबोगरीब था। दो औरतें सोलोमन के पास आईं, एप्लिकेंट और डिफेंडेंट, और दोनों के पास एक बच्चा था। एक बच्चा मर चुका था और दूसरा जीवित था। ओ महाराज, मैं उस जिंदा बच्चे की माँ हूँ जो इसके हाथों में है। दोनों औरतों ने जिंदा बच्चे की माँ होने का दावा किया। जनता जो दरबार में मौजूद थी वो जानना चाहती थी कि राजा इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। ये बात तो मैं जानता हूँ कि एक औरत झूठ बोल रही है, पर वो कौन है? मुझे इस मामले पर बड़ी समझदारी से निर्णय लेना होगा। राजा ने कुछ देर तक सोचा। कोई है यहाँ? मुझे एक तलवार दो। दरबार में सब सोच में पड़ गए। एक सैनिक तलवार लेकर आया। मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चे के दो टुकड़े कर दो और एक एक हिस्सा दोनों में बांट दो। जनता राजा के इस कठोर फैसले से चकित रह गई। जिस औरत ने दावा किया था वो अपने बच्चे को कटता नहीं देख सकती थी। ओ मेरे दयालु महाराज, कृपा करके आदेश वापस लीजिए। मैं भी अपना आरोप वापस लेती हूँ। आप फैसला इसके हित में कर सकते हैं, पर मेरे बच्चे के प्राण मत लीजिए। मैं अपने सामने अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे तो राजा का फैसला बहुत पसंद आया। इसे दो हिस्सों में काट दो। मैं अपना फैसला वापस लेता हूँ और हुक्म देता हूँ कि बच्चे को पहली औरत को सौंप दिया जाए, क्योंकि वही इसकी माँ है। शुक्रिया महान महाराजा। सोलोमन की समझदारी हर किसी के जो दरबार में मौजूद था समझ में आ गई और उसकी वाहवाही पूरे राज्य में फैलने लगी। ईश्वर ने अपना वादा निभाया। राजा सोलोमन लेजेंड बन गए। उनकी समझदारी की प्रशंसा हर तरफ फैलने लगी। सोचने वाली बात है कि एक इंसान इतना समझदार कैसे हो सकता है। मैं उनके ज्ञान और समझदारी की परीक्षा स्वयं लूंगी। तो रानी शीबा ने अपने आने की सूचना राजा सोलोमन को दी। शीबा की रानी हमसे मिलने हमारे राज्य में आ रही है। हमें उनका स्वागत बड़े अच्छे तरीके से करना है। शीबा की रानी राजा सोलोमन से मिलने आई। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। ओ महान महाराजा, मैं यहाँ आपके बुद्धि और समझदारी की परीक्षा लेने आई हूँ। मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। बोलिए क्या करना है। मेरे पास दोनों हाथों में फूलों का गुलदस्ता है। एक गुलदस्ता बगीचों के ताजे फूलों का है और दूसरा नकली फूलों का है जिसे एक्सपर्ट्स ने हूबहू असली बनाया है। मैं समझ गया, अब आगे बताइए। अब आपको ये बताना है कि कौन से असली फूल है, जो मेरे दाहिने हाथ में है वो या जो मेरे बाएं हाथ में है वो। राजा सोलोमन ने कुछ देर तक सोचा। ये सवाल तो पेचीदा है, कौन सा वाला असली होगा? मैं तो उलझन में पड़ गया हूँ, अब कैसे पता लगाऊं? उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे एक किस्सा याद आया।
मैंने मक्खियों को फूलों के पास भिनभिनाते हुए देखा है। मक्खियाँ ताजे फूलों के अंदर के शहद की तरफ आकर्षित होती हैं। ये तरकीब तो जरूर काम करेगी। कौन है वहाँ पर? महल की खिड़कियाँ तुरंत खोल दी जाएं। एक नौकर ने खिड़कियाँ खोली। थोड़ा समय बीता, सबने देखा कि दो मक्खियाँ खिड़की के अंदर आ रही थीं। शीबा की रानी सोच में पड़ गई कि राजा आखिर क्या कर रहे हैं। मक्खियाँ उन फूलों पर जाकर बैठी जो रानी के बाएं हाथ में थे। जो फूल आपके बाएं हाथ में है वही असली फूल है। बहुत बढ़िया, पर मेरे पास और भी मुश्किल भरे सवाल हैं आपके सामने रखने के लिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वो कठिन सवाल पूछती गईं और सोलोमन सब सही जवाब देते गए। मैं आपके समझदारी की दीवानी हो गई हूँ। राजा ने उन्हें तोहफों से नवाजा और वो अपने राज्य लौट गईं।